किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरनाथ शर्मा भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में कीट वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। साथियों, अभी सोयाबीन के बोनी का मौसम शुरू होने वाला है, तो सबसे पहले तो मैं इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दूँ कि यह सोयाबीन का सीज़न आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए और सोयाबीन की भरपूर उत्पादकता हो और अच्छा उत्पादन मिल सके आप लोगों को। किसान भाई, अच्छा उत्पादन लेने के लिए कुछ शुरुआत में ज़रूरी बातें हैं जो कि आपसे जिसकी चर्चा करना चाहता हूं मैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि अच्छी पैदावार लेने के लिए अच्छे बीज की आवश्यकता होती है, और जैसा कि आप लोगों ने पिछले साल अनुभव किया होगा कि सोयाबीन के पकने के समय बारिश आ गई थी, तो उस समय का जो बीज किसान भाइयों ने रखा होगा बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं होगा, और ये स्थिति अमूमन सभी जगह पे है। तो मेरा तो आप लोगों से सुझाव ये है कि बीज के लिए इधर उधर भागने से अच्छा है कि आपके पास में जो बीज है उसका अच्छी तरह से अंकुरण परीक्षण कर लें, और अगर अंकुरण कम आता है, 70% से कम आता है, तो उसी बीज को बढ़ी हुई बीज दर के साथ में उपयोग करेंगे तो इसके अंकुरण में कमी होने की भरपाई हो सकेगी और आपके खेत में फसल में अंकुरण अच्छा होगा। सिर्फ बीज अच्छा भर होने से अंकुरण अच्छा हो जाए और उससे पौधा भी अच्छा स्वस्थ बन जाए, ऐसा नहीं है। हमको बीज की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बीजोपचार करना बहुत आवश्यक है। आमतौर पर देखा गया है कि सोयाबीन की बोनी के बाद में किसान भाई खेत में डोरा चलाने के समय ही जाता है, यानी कि करीब करीब 15 से 20 दिन की फसल हो जाती है जब जाके दोबारा खेत में जाने का मौका लगता है। लेकिन इन 10-15 दिनों के बीच में सोयाबीन की छोटी सी फसल में कुछ बीमारियां और कुछ कीड़ों का प्रकोप होना शुरू हो जाता है जिससे कि पौधों की संख्या घट सकती है, और ये नुकसान से किसान भाई आमतौर पर अनभिज्ञ रहते हैं, उन्हें पता नहीं चल पाता है कि कौन सा कीड़ा लगा है, कौन सी बीमारी लगी है। तो इस आशंका को ख़त्म करने के लिए हम ये अनुशंसा करते हैं कि बीज को बुआई से पहले कीटनाशक और फफूंदनाशक से बीजोपचार कर लें। इसमें फफूंदनाशक आजकल दो दो तरह के फफूंदनाशक मिल के आ रहे हैं जिससे कई तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता पौधे में आ जाती है। कुछ नाम आपको बताता हूँ, एक कॉम्बिनेशन है कार्बोक्सिन प्लस थायरम, इसको 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार किया जा सकता है। दूसरा एक नया कॉम्बिनेशन का फंजीसाइड आया है जो कि पेनफ्लूफान और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन के नाम से है, इनका कॉम्बिनेशन है, उसका 1 मिलीलीटर प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार करें। और तीसरा विकल्प हमारे पास में है थायोफिनेट मिथाइल प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन, इसका भी 3 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से बीज के हिसाब से इसका बीजोपचार करेंगे तो तमाम बीमारियां जो कि शुरुआती अवस्था में फसल को नुकसान करती हैं उनसे बचा जा सकता है। इसके अलावा कुछ कीट भी होते हैं जैसे तना मक्खी है या ब्लू बीटल है, और किसी किसी क्षेत्र में सफ़ेद मक्खी का भी प्रकोप बहुत शुरू में हो जाता है, तो इनसे बचाव के लिए कुछ कीटनाशक मैं आपको बता रहा हूँ, उनसे बीजोपचार करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। एक तो कीटनाशक है थायमेथॉक्सम, आप लोग जानते हैं, काफ़ी दिनों से इसका प्रयोग भी करते आए हैं। इसका 10 मिलीलीटर मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। अगर थायमेथॉक्सम नहीं मिले तो इमीडाक्लोप्रिड दूसरी दवाई है, कीटनाशक है, इसका 1.25 मिलीलीटर प्रति किलो बीज से को ट्रीट करें, आपको उपचार करें तो कीड़ों से भी सुरक्षा हो सकती है। एक चीज़ और मैं भाई आप सब बताना चाहूँगा कि मौसम की जिस तरह से अनिश्चितता हो रही है, कभी बरसात काफ़ी आ जाती है, कभी 15-20 दिन तक खुल जाता है, तो ऐसे में हमको बुआई की पद्धति में थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। समतल जमीन पे बोने के बजाय इसे अगर आप रेज्ड बेड यानी कि ऊंची क्यारी या रिज फरो जिसको कूड़ और मेड़ पद्धति भी कहते हैं, उन पे अगर बोनी करेंगे तो अधिक वर्षा और कम वर्षा दोनों स्थितियों में आपकी फसल को, सोयाबीन की फसल को सुरक्षा प्रदान करेगी और नमी की कमी नहीं आने देगी। इन नालियों से अगर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इन नालियों के ज़रिए वो बाहर निकाला जा सकता है, और अगर वर्षा कम हो रही है तो इन नालियों को मुहाने पर बंद कर दें ताकि
उन नालियों के बीच का जो पानी है वो वहीं संचित रह सके और फसल को उपलब्ध हो सके। साथियों आज बस इतनी ही बात करता हूँ और आगे आपसे मिलते रहेंगे, चर्चा होती रहेगी। धन्यवाद।